नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका माइंड क्रिप्टो में। दोस्तों, जो बेटर स्टेट के यूज़र है उनके लिए बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ आई है। क्या गुड न्यूज़ है, यह देख सकते हो कि बेटर स्टेट की KYC लॉन्च कर दी है। तो इनकी जो KYC है लाइव हो गई है। हमको KYC कैसे करनी है, क्या प्रोसेस है, ये सब आगे चल के मैं वीडियो में बता दूंगा। बट इनका जो सारा प्रोसेस है इन्होंने यहाँ पे बताया है, तो इनका प्रोसेस हम पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जो थर्ड नंबर का जो 2 घंटे पहले इन्होंने ट्वीट किया है, द सर्टिफिकेशन KYC प्रोसेस एज फॉलो, मतलब जो नीचे दिया है वो हमको फॉलो करके इनकी जो KYC है वो कंप्लीट करनी है। ओपन द BS वॉलेट एंड क्लिक माय प्रोफाइल ऑन द होम पेज, मतलब यह देख सकते हो इन्होंने सब कुछ मतलब प्रूफ के साथ दिया है। यहाँ पे हमारे प्रोफाइल सेक्शन में जाना है, उसके बाद हमारे ईमेल का जो ऑप्शन है उस पर जाके एक अपना ईमेल इसमें एंटर करना है। उसमें आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको हम यहाँ पर एंटर करना है। बट उससे पहले बहुत ज़रूरी बात है कि इस ऐप को आपको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ओल्ड वर्जन जिसमें हमारा अकाउंट है और जिसमें हमारे टोकन पड़े हैं, जिसने भी रेफर करके इसमें टोकन अर्न किए हैं, वो हमारा जो ओल्ड वर्जन है। अब हमको न्यू वर्जन डाउनलोड करना है। तो वो न्यू वर्जन कैसे डाउनलोड करना है और अपना जो ये ऐप है वो डिलीट करना पड़ेगा, उससे पहले आपको क्या करना है, ये सब आपको वीडियो में आपको आगे चल के बता दूंगा। बट आपको एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना। और जो भी आपका जो रेफरर है, आपका दोस्त है जिसने भी ये ज्वाइन किया है प्रोजेक्ट, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। और जो भी करना चाहता है उसको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। दोस्तों, जो भी मैं करने वाला हूँ वो आपके सामने लाइव करने वाला हूँ, तो वीडियो प्लीज़ विदाउट स्किप किए बगैर देखना। यह देख सकते हो दोस्तों, मैंने मेरा ऐप ओपन किया है बेटर स्टेट का। यहाँ मेरे 2,34,000 टोकन हो चुके हैं जो मैंने रेफर करके अर्न किए थे। मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, बहुत लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करता किसी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जितना फ्री का हो सकता है उतना हम फ्री का ले लेंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपने स्टार्टिंग में जो अकाउंट बनाया था उसमें हमको हमारा प्राइवेट की ये लोग देते हैं, तो वो हमको सेव करके रखना था। आप लोगों ने अगर सेव करके नहीं रखा है तो आपका अकाउंट रिकवर नहीं हो पाएगा। आपके अकाउंट में जितने भी टोकन है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, आपको 1 भी रुपया इसमें नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपके पास अगर वो प्राइवेट की नहीं है, आपने अगर सेव करके नहीं रखा है, भूल गया है, जो भी है आपका जो रीज़न है, आपके पास अगर वो प्राइवेट की नहीं है, तो ये ऐप अपडेट करने से पहले हमको वो प्राइवेट की लेना है और वो कहीं पे सेव करके रखना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो प्राइवेट की है उसको हमको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो माय प्रोफाइल वाला है उस पे जाना है, ऊपर देख सकते हो बैकअप प्राइवेट की, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अपना जो भी पासवर्ड आपने दिया था उस टाइम, वही पासवर्ड यहाँ पे आपको एंटर करना है और फिर आपको ये अपना प्राइवेट की आपके सामने शो कर देगा। मेरा प्राइवेट की मेरे पास सेव किया हुआ है, तो मैं अभी इसको बैकअप नहीं करूँगा, तो इसको कैंसिल कर देता हूँ। मैंने जो स्टेप बताया वही स्टेप फॉलो करके आपको ये प्राइवेट की आपको ले लेना है और कहीं पे सेव करके रखना है। तो यह देख सकते हो मेरे 2,34,000 टोकन है। ओके, तो मैं अभी आपको KYC कैसे करना है उसका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो मेरा बेटर स्टेट का ऐप है उसको मैं अभी आपके सामने डिलीट करने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ऐप मेरा अनइंस्टॉल कर दिया है। तो आपको क्या करना है, जो अपडेट वर्जन का ऐप है उसको डाउनलोड करना है। यहाँ पे देख सकते हो इनका जो ऑफिशियल लिंक है, किसी भी थर्ड पार्टी साइट पे या फिर किसी भी बंदे ने आपको भेजा है उससे डाउनलोड मत करना। इनका जो टेलीग्राम पे है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो इसी वेबसाइट से आपको वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ओके, तो मैं अभी आपके सामने लाइव डाउनलोड करके KYC करके बता देता हूँ। तो मैं इस वेबसाइट पे क्लिक करूँगा और मुझे ये सामने जो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और मेरे सामने ये कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, डाउनलोड APK, डाउनलोड गूगल प्ले वगैरह है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एंड्रॉयड APK पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये डाउनलोड करने बोलेगा, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ।
ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो न्यू वर्जन के ऐप है यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अभी इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। मेरा बेटर स्टील का ऐप अभी इंस्टॉल हो गया, तो इसको अभी हम ओपन करते हैं। दोस्तों ये ऐप ओपन हो रहा है, तब तक आप वीडियो को एक लाइक कर देना। जैसे हमको स्टार्टिंग में जो प्रोसेस किया था हमने इसमें ज्वाइन करने का, वही प्रोसेस अभी भी हमको यहाँ पे करना है। ओके, तो अपने को क्या करना है, जो लोग नए हैं उसको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। बट हमको अभी हमारा ही जो पुराना अकाउंट है वही हमको चाहिए। तो हमको क्या करना है, हैव अ अकाउंट पे ये जो लॉगिन का दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे हमारा जो प्राइवेट की है वो यहाँ पे मांगेगा। तो जो भी आपने जो सेव करके रखा है और मैंने जो बताया था आपको जो बैकअप करना है वो किया है, तो उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो प्राइवेट की को पेस्ट करने के बाद ये जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर आपको क्लिक करना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद जो हमारा पासवर्ड है दोस्तों वही हमको यहाँ पे एंटर करना है, जो हमने अकाउंट बनाते टाइम दिया था, तो वही पासवर्ड हमको यहाँ पे एंटर करना है। तो हम हमारा पासवर्ड यहाँ पे एंटर करते हैं। पासवर्ड एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है कंफर्म वाले पे क्लिक करना है आपको। तो कंफर्म पे क्लिक करते ही दोस्तों हमारे सामने जो अपना अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। बट उन लोगों ने बताया था यहाँ पे, इन्होंने पहले अपडेट किया है, इनका जो ये जो ट्वीट है यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है, इनकी जो KYC है वो लाइव हो गई है, इसलिए बहुत सारे जो यूज़र है एट ए टाइम इसमें जो एंटर करेंगे, इसलिए इनका जो सर्वर है वो डाउन हो सकता है, इसका जो एप्लीकेशन है वो फ्रीज हो सकता है, मतलब काम नहीं करेगा। मेरे साथ भी हुआ है ऐसे, वीडियो बनाते बनाते मेरे साथ 2-4 बार मैंने ट्राई किया फिर मेरा अकाउंट लॉगिन हुआ है। तो आप लोग भी ऐसा होता है तो थोड़ा ब्रेक दे देकर आपको अकाउंट बनाना है या फिर अकाउंट लॉगिन करना है, तो घबराना नहीं है दोस्तों, अकाउंट हो जाएगा आपका। बट ट्रैफिक बहुत होगा, इस वजह से वो थोड़ा लोडिंग इशू आएगा। मेरा भी यह देख सकते हो, ये अभी अकाउंट तो हो गया मेरा बट अभी पूरी तरह से लोड नहीं हुआ, इसलिए वो अभी जीरो कुछ बता रहा नहीं यहाँ। ओके, तो अभी आपके सामने लाइव हो गया, ये पहले जो मेरा अकाउंट का बैलेंस था उतना ही है यहाँ पे शो कर रहा है। फिर आपको जो स्टेप बताया था मैंने क्या करना है और उन लोगों ने जो भी प्रोसेस बताया है वो हमको फॉलो करना है। जो मेन टॉपिक है दोस्तों KYC का, तो सबसे पहले हम अभी KYC कर लेते हैं। एक भी स्टेप दोस्तों मिस नहीं करना है, एंड तक देखना है वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो प्रोफाइल वाला जो सेक्शन है इस पर जाना है और यहाँ पे सेट ईमेल जो दिख रहा है जो सेकंड लास्ट है उस पर आपको क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनपुट योर ईमेल, मतलब जो आपका ईमेल होगा जो एक्टिव ईमेल है यहाँ पे आपको दे देना है। मैं मेरा दे देता हूँ ईमेल एड्रेस, और वेरीफाई ईमेल पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे जो वेरीफाई पे हम क्लिक करते हैं यहाँ देख सकते हो कुछ एरर आता है, जो मेनी टाइम्स अटेम्प्ट हो रहा है यहाँ पे, बहुत लोग यहाँ पे अभी KYC कर रहे हैं इसलिए ये एरर आ रहा है। बट आपको जो स्टेप बताया है बस इसके आगे कुछ नहीं है, आपको बस आपका जो ईमेल दिया है आपने वो ईमेल पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उस कोड को यहाँ पे एंटर करना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों थोड़ा इसमें अभी आज के दिन और कल के दिन इसमें ना बहुत थोड़ा इशू आने वाला है, क्योंकि इसके जो यूज़र है बहुत यहाँ पे लाइव आने वाले हैं और इसमें एट ए टाइम KYC के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो क्या होगा दोस्तों कि ये एप्लीकेशन पे बहुत सारा लोड आएगा, क्योंकि ज़्यादा बंदे एट ए टाइम यहाँ पे KYC अप्लाई करेंगे, इसलिए बहुत सारा लोड आएगा। उस लोड की वजह से ये जो है सर्वर इनका डाउन होगा, एप्लीकेशन फ्रीज होगा, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा पेशेंस रखो, वेट करो और कुछ टाइम बाद फिर यहाँ पे जो अपना प्रोसेस है वो फॉलो करो, बस इसके आगे कुछ नहीं करना है आपको। ये जो है प्लीज़ इनपुट यू वेरीफाई कोड, और आपको ईमेल पे जो कोड आएगा वही आपको यहाँ पे एंटर करना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है, आपकी KYC हो जाएगी। बस याद रखना है आपको जो मैंने बोला था कि आपकी जो प्राइवेट की है वो सेव करके रखनी, तो वो ज़रूर सेव करके रखनी, अगर आपने खो दी तो आपके सारे टोकन ज़ीरो हो जाएगी, आपको 1 रुपया का भी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों KYC का इतना ही प्रोसेस था, इसके आगे कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों
मैंने जो डिस्क्रिप्शन में और भी माइनिंग ऐप इसी साल जो लिस्ट होने वाली है उसकी लिंक दे रखी है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, अपना प्रॉफिट अच्छा खासा निकाल सकते हो। तो वो ऐप भी, जो भी प्रोजेक्ट है वो, उसको भी ज्वाइन करना। बेटर स्टेड में इतनी अपडेट थी, KYC ज़रूर ध्यान से करो और पेशेंस रखो, या भी ट्रैफिक के वजह से थोड़ा इशू आ सकता है, तो टाइम टू टाइम इसमें अपडेट रहो, फिर नॉर्मल हो जाएगा सब। आप अपनी माइनिंग करते रहो, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप माइनिंग। थैंक यू।